10 days with me. देखिए ये मेरी गार्डन है और गार्डन के सामने जो विंडो है वहाँ पे मैं अभी हूँ। तो आज मैं मॉर्निंग में ये लेके आई हूँ। आज इसके दो इजी रेसिपी दिखाऊंगी। तो रेसिपी दिखाने के पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरे चैनल पे अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल है ना, छोटा सा एक बेल होता है, वो क्लिक कर दीजिए। तो फिर मेरे चैनल की हर वीडियो के हर पोस्ट के नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चले जाएंगे। तो मैं आज जो रेसिपी दिखाऊंगी वो बहुत इजी है, वो आप डिनर पे भी खा सकते हैं, लंच पे भी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट पे भी खा सकते हैं और स्नैक्स में भी खा सकते हैं। और एक बात है, ये आप लोग जो सबसे प्रॉब्लम होता है, एटलीस्ट मेरे घर में होता है, कि हर दिन नया नया टिफिन देना पड़ता है, नहीं तो बोरिंग हो जाता है टिफिन। तो ये दो जो रेसिपी दिखाऊंगी ये आप लोग स्कूल टिफिन में भी दे सकते हैं। और फर्स्ट वाला होगा सिंपल वाला, पर बंगाली में इसको बोलते हैं गोला रोटी। और जो फास्ट वाला होता है उसमें मैंने थोड़ा सा, बोलते हैं ना खाने में थोड़ा सा तड़का लगा दो, तो मैंने वो थोड़ा सा चटपटा बना दिया। और सेकंड वाला होगा फास्ट वाला की जैसा, पर थोड़ा सा अलग होगा और थोड़ा सा टेस्टी भी होगा। तो जो सेकंड वाला दिखाऊंगी वो मेरे बेटे को बहुत पसंद है, टिफिन में भी पसंद है, घर में भी वो अगर ऐसे थोड़ा सा स्नैक्स खाना चाहता है कभी कभी मैं बना के देती हूँ, लंच पे भी मैंने कभी कभी बोलते स्पेशल कुछ दो तब बना के देती हूँ। और एक बात है, सब लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हें इतना रेसिपी कैसे पता है। एक्चुअली मैं जॉइंट फैमिली से हूँ ना, तो जॉइंट फैमिली में पता चल जाता है, हम लोग सीख जाते हैं, कैसे सीखते हैं पता नहीं पर सीख जाते हैं। तो ऐसे ही मैंने भी सीख लिया और अभी आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ थोड़ा। तो चलो देखेनी कीभावे हमें दुटो रेसिपी बनाची हमार गार्डेनर पालक दिए। और वही रेसिपी दुटो अपनारा डिनारे खेते पारें, लांचे खेते पारें, स्नैक्स खेते, सब थेके मजादार हय टिफिने बानिये दिते पारें, स्कूल टिफिने। तो चलो देखेनी। গার্ডেনের পালকের রেসিপি দেখাতে আপনাদের চলে এলাম, দুটো রেসিপি দেখাবো। তো একটা বানাতে শিখে গেলে আর একটা বানাতে পারবেন। তো গার্ডেনের পালক আমি ধুয়ে নিয়ে এখানে ড্রাই করতে দিয়েছি, একটু জলটা ঝরতে দিয়েছি। তো পহলে পালক লে লিজিয়ে, ধনিয়া লে লিজিয়ে, চিলি লে লিজিয়ে, আর লসুন গার্লিক লে লিজিয়ে, আর ব্লেন্ড কর লিজিয়ে। উসকে বাদ এক বোল পে मैदा, आटा, ओट, ग्राइंडेड ओट कुछ भी ले लीजिए, मतलब जिसमें आप बनाना चाहते हो, चीला जो बनाता है वो ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक और ये जो पेस्ट बनाई मैंने पालक के वो मिक्स कर दिया। अभी उसमें थोड़ा सा अजवाइन भी दे दिया और थोड़ा सा ये चाट मसाला या अमचूर पाउडर दे दीजिए। और उसके बाद उसको अच्छा से एक बैटर बना लीजिए। अभी वो बैटर तवा में विदाउट ऑयल, तो तवा में ऐसे गोल गोल घुमा दीजिए, जैसे डोसा बनाते हैं ना या गोला रोटी बनाते हैं ऐसा ही। तो मेरे डोसे का अगर आप लोगों ने वीडियो देखा उसमें भी मैंने दिखाई कि कैसे बनाते हैं। तो ड्राई तवा में ऐसे बैटर देने के बाद मैंने स्पून से अच्छा से घुमा के ये बना लिया। अभी इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी, जब ये कुक हो जाएगा, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा, तब मैं साइड से ऐसे ऑयल दे दूँगी। तो इसके बाद भी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। तो देखिए ये साइड से अभी खुद उठ रहा है, तब भी मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। थोड़ी देर कुक होने के बाद मैं ये पैन को थोड़ा सा हिलाऊँगी, सो मूव करूँगी। उसमें क्या होता है, तवा से ये जो छीला है ये अपने आप उठ जाएगा। तो ये है प्रोसीड्योर, तो ये फॉलो करेंगे तो कर पाएंगे। तो इसके बाद दूसरा साइड भी मुझे थोड़ा सा कुक करना है,
तो मैं ये साइड कुक होने के बाद दूसरा साइड कुक करने के पहले थोड़ा सा बैटर ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये मैंने ज़्यादा के ज़्यादा मेरी बेटी के लिए बनाती हूँ। अगर हम खुद खाते हैं तो मैं बैटर यूज़ नहीं करती हूँ, पर बेटी के लिए जब बनाती हूँ तो बैटर दे देती हूँ। बैटर मेल्ट होने से जो खुशबू आता है वो मेरे बेटे को थोड़ा पसंद होता है। तो आप भी बच्चे के लिए बना रहे हो तो बैटर यूज़ कर सकते हैं, आप खुद के लिए बना रहे हो तो बैटर स्किप कर सकते हो। तो बैटर मेल्ट हो जाने के बाद मैंने वो पलट दूंगी, तो उससे दूसरा साइड भी कुक हो जाएगा। এটা এতটাই সহজ রেসিপি। গার্ডেনের পালক নিয়েছি, অন্যান্য ভেজিটেবলের সাথে যেমন গাজর ক্যাপসিকাম ব্লেন্ড করে দিতে পারেন, আর ওট আটা ময়দা যেটা হাতের কাছে থাকবে সেটা দিয়ে করতে পারেন, শুধু ময়দা দিয়েও করতে পারেন বা আটা দিয়েও করতে পারেন। ওটটা দিলে আর একটু হেলদি হলো, তাই জন্য আমি দিয়েছি। আর অন্যান্য ভেজিটেবলও দিয়ে দেবেন, তাতে বাচ্চাদের জন্য এটা খুব হেলদি হয়ে যায়, তো খুব ভালোও লাগে। আজ মুঝে গার্ডেন কে ভেজিটেবল সে দেখানা থা ইসলিয়ে মে সিফ পালক সে দিখাই। पर आप लोग कैरेट कैप्सिकम और दूसरा वेजिटेबल भी ब्लेंड करके इसके साथ मिक्स करके ऐसे ही छिला बना सकते हो। ये बहुत हेल्दी होता है और बच्चे जो वेजिटेबल नहीं खाता है वो खा लेंगे। तो ट्राई कीजिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मैं जो रेसिपी अभी बना रही हूँ तो ये आप चटनी के साथ दे सकते हैं, जो छिला है। तो ये कुछ भी, मतलब मैं तो कभी कभी केचप के साथ भी दे देती हूँ, और आप लोग थोड़ा सा चटनी बना सकते हो। धनिया की चटनी मैं नहीं बनाती हूँ इसके साथ, मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा, उसे केचप वाला कुछ ऐसे मैं सालसा टाइप बना के देती हूँ, उसे अच्छा लगता है। और ये आप चीला के साथ कुछ भी, और आप सब्जी भी दे सकते हो। चीला तो एक गोला रोटी होता है ना, बंगाली में इसको गोला रोटी बोलते हैं। तो चलिए देखते रहिए। ছিলাটা তো দেখিয়ে দিলাম, তো এবার দেখাবো ছিলাটা খুব পাতলা করে করতে হয়। তো মানে ছিলা দেখা দিয়া, তো ছিলা এসে এসে বহুত ঘুমা ঘুমা কে পাতলা করনা পড়তা হয়। আবি জো মাই দিখাউঙ্গি ও থোড়া চিজি হোগা, আর উসকে লিয়ে এসে ঘুমা কে মত কিজিয়ে। মাই ইতনা এক্সপার্ট নেই হো ইসলিয়ে মাই ঘুমা কে নেই করতি হু, এসে হি ডাল কে থোড়া সা কর দেতি হু। উসকে শেপ থোড়া ছোটা হোতা হয় ছিলা জেসা, বহুত বড়া আর পাতলা নেই হোতা হয় ইয়ে। আর ইসমে মাই চিজ দেকে বানাউঙ্গি। तो चलिए देखते हैं, अगर आप बहुत एक्सपर्ट है आप छिला जैसा पतला भी कर सकते हो। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मैं छोटा सा बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे जब फोल्ड करते हैं या काटते हैं तो उसका बैलेंस नहीं रहता है, मुझसे नहीं होता है। आप अगर एक्सपर्ट हो आप ऐसे बहुत बड़ा करके बनाइए, पर मैं छोटा छोटा बनाती हूँ। चलिए कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। ये मेरे बेटे को बहुत पसंद है, उसे टिफिन में मैं ये देती हूँ, स्कूल टिफिन में कभी कभी ये देती हूँ, और कभी कभी इसके साथ थोड़ा सा कैरेट वगैरह वगैरह ऑनियन वगैरह सब कुछ मिक्स करके भी देती हूँ, कैप्सिकम भी दे देती हूँ। आप तड़का अपने हिसाब से डालो ना, प्रोसीड्यूर एक ही होता है। पर चलिए वो बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा सेम बैटर लेके पैन में डाल दीजिए, और ये छोटे साइज का होगा क्योंकि घुमा के बड़ा नहीं किया, और अच्छा से फ्राई कर लीजिए। उसके बाद उसमें ग्रेटेड चीज़ ऐड कर दीजिए और उसको फोल्ड कर दीजिए, और दोनों तरफ से अच्छा से फ्राई कर लीजिए, फिर ये चीज़ जो है मेल्ट हो जाएगा। तो इतना ईजी है, जैसे आप लोग छिला बनाया फर्स्ट प्रोसीड्योर में ऐसा ही, सिर्फ उसमें छोटा सा बना के चीज दे के ऐसे फोल्ड करके फ्राई कर लीजिए। तो हो गया चीज की जो छिला बने में मैंने बनाई चीज स्टफ करके चॉपिंग करके, ये जो चीज चॉपिंग करके छिला बने इसको आप कोई भी केचप के साथ भी दे सकते हो, कोई भी सॉस के साथ भी दे सकते हो। अगर बच्चे ऐसे कुछ किसी के साथ नहीं ऐसे ही खाना चाहते हैं वो भी कर सकते हो। तो मेरे बेटे पसंद करता है इसको केचप के साथ खाना, मैं उसके साथ उसको देती हूँ। टू रेसिपीज, और बहुत ही इजी है, और
मैं बोलूँगी बच्चों को दीजिए, पालक के साथ है तो बहुत ही होता है। और आप अगर चाहो तो इसमें कैरेट अनियन भी दे सकते हो, कैप्सिकम भी ग्रेट करके दे दीजिए, उसमें भी टेस्ट आता है। आज नहीं था, मैंने नहीं दिया और मैं गार्डन के वेजिटेबल से बना रही हूँ तो इसीलिए ज़्यादा नहीं कुछ दिया। तो आप दे सकते हो तो उसमें भी टेस्ट अलग अलग होता है, क्योंकि बच्चे तो बोलते हैं खाना बोरिंग मत हो। मेरे घर में तो ऐसा होता है, इसीलिए मैं बोरिंग नहीं बनाती हूँ, कुछ नया नया कुछ करती हूँ, तो इसलिए ये दिखाई। अच्छी रहिए, खुश रहिए, भालू थकबिन, आबाद देखा भी नतुन भिडियो साथ। टाटा।